हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं ऑन पब्लिक डिमांड आपको बताने वाली हूँ कि मैं कितने कितने क्वांटिटी में कॉफ़ी लेती हूँ, कितने क्वांटिटी में हनी लेती हूँ, कितने क्वांटिटी में लेमन लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। एंड ऑफ कोर्स कॉफ़ी का ज़्यादा प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1.5 चम्मच वगैरह, जैसे हम नॉर्मल मिल्क कॉफ़ी में बनाते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रॉपर इजी सिंपल स्टेप दिखाऊंगी इसका। अगर किसी को थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस या कोई भी हेल्थ इश्यूज है, आप लोग इस ड्रिंक को पीने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है फॉर वेट लॉस, एंड हनी मैंने बस टेस्ट के तौर पर ऐड किया है ताकि टेस्ट अच्छा लगे। अदरवाइज द मेन टू इंग्रेडिएंट्स आर लेमन एंड कॉफ़ी। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। सो देखिए, अगर आपको क्वांटिटी प्रोपोर्शन हमेशा के लिए परफेक्ट चाहिए, तो ये इतना पाउच आता है। सो ये है ब्रू का पाउच, मेरे ख्याल से 3 रुपीज़ का है। ठीक है, तो ऐसा पाउच लीजिए किसी भी कॉफ़ी का, चाहे वो नेस्कैफे हो या कोई भी हो, 2-3 रुपीज़ वाला पाउच लीजिए। ओके, तो आपका दिन में कॉफ़ी का कंजम्पशन एक स्पून से भी कम होगा। दैट्स वाई, तो इसमें कैसा होता है, हाफ स्पून भी नहीं होता, ये देखो। तो इसलिए बेटर है कि आप है ना ये कॉफ़ी का पाउच लीजिए छोटा वाला, एंड देन अब दिन में सुबह एम्प्टी स्टमक के लिए एक पैकेट लगेगा, एंड शाम को जब आपका चाय का जो भी टाइमिंग होता है उस टाइम पर अगर आप चाय स्किप किए हो, तो ये कॉफ़ी का एक और पाउच, मतलब दिन में 2 पाउच हो जाएगा। तो ये मैंने डाली कॉफ़ी, इसमें स्क्वीज़ किया हाफ लेमन। ओके, ये स्मॉल लेमन है इसलिए हाफ। अगर आपके पास ऐसे बड़े बड़े वाले लेमन्स है, तो आप 3 प्रोपोर्शंस कर सकते हो, उसके 3 पार्ट में उसको डिवाइड करना, 3 बार यूज़ करना। तो ये डाली मैंने लेमन, स्क्वीज इट नाइसली, और अब हनी। मैं धीरे धीरे हनी इसमें डालना बंद कर रही हूँ, क्योंकि मेन जो तड़कता भड़कता काम करता है वो कॉफ़ी और लेमन ही है। और हाफ स्पून ऑफ हनी इसमें से डाल दो, एंड वार्म वाटर। पूरा कप को ऊपर तक भर दो। ओके, तो इस साइज का कप होना चाहिए आपका, रिमेम्बर दैट। ओके, वॉच आउट। ये रही मेरी कॉफ़ी हनी लेमन ड्रिंक, वेट लॉस ड्रिंक। एंड हनी डालने के बाद, लाइक विदाउट हनी तो ये ब्लैंड टेस्ट करता है, लेकिन हनी डालने के बाद है ना, ये कैसा, हम कॉर्न जैसे मक्का होता है ना, मक्का के ऊपर हम कुछ चाट मसाला वगैरह लगाते हैं, तो कैसा टेस्ट आता है, वैसा टेस्ट आता है इसका। तो सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है इसे। मैं अभी उठी हूँ, फ्रेशन अप हुई हूँ, मैंने सिर्फ एक सुबह उठते ही पहले जो पानी का सिप लेते हैं बॉटल से वो लिया, एंड नाउ मैं ये कॉफ़ी पी रही हूँ। गर्म है, और इस ड्रिंक को पीने के बाद फिर आपका डेली रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड मैं एक दो और डिटॉक्स ड्रिंक्स लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे और भी कुछ पता चला है, दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग। एंड थोड़ा अभी टेस्ट को बोलते हैं ना, टेस्ट से थोड़ा सा दूर अभी जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं कभी कभार के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइज, लव यू ऑल, बाय टेडियंस।